हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू ब्यूटी स्टूडियो। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको राखी मेकअप बताऊंगी, और उसके पहले सबसे पहले हैप्पी राखी। तो मैंने सबसे पहले ले लिया है प्राइमर, ये अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। आप सबको अभी पता चल गया होगा कि प्राइमर क्यों यूज़ करते हैं, तो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं लूंगी मेरा फेवरेट गुड वाइब्स का गोल्ड सीरम। ये लिया है मैंने लैक्मे का फाउंडेशन। अब मैं लूँगी अपना कंसीलर, जो थोड़े मेरे डार्क सर्कल दिख रहे हैं उसको मैं हाइड करूँगी भी कंसीलर की हेल्प लेकर। फ्रेंड्स, जो मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ सबका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि मैंने कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है। मैं यहाँ पे कोई कंटूर नहीं करूँगी क्योंकि राखी का मेकअप है, सिंपल सा मेकअप करेंगे और आप लास्ट में लुक देखेंगे कि कैसा लगता है ये सिंपल सा प्यारा सा मेकअप। अब मैं लिप बाम लगाना भूल गई थी तो अभी लगा लेती हूँ। ये मैंने मैक का लूज पाउडर लिया है, तो जो भी फाउंडेशन कंसीलर अप्लाई किया है उसको सेट करने के लिए काम आया है। इसको मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी इसके ढक्कन में। अभी स्पॉन्सेस को फेस पे अप्लाई कर लूँगी। फ्रेंड्स, को डैप डैप करके ही यूज़ करना है। ओहो, कम पड़ गया, थोड़ा और ले लेते हैं। अभी मैं ब्लेंडिंग ब्रश से लेके उसको ब्लेंड कर लूंगी अपने पाउडर को। ये मैंने ब्रो किट से डार्क ब्राउन शेड लिया है और अपने आईब्रो को फिल कर लूंगी। ये देखिए, मैंने आईब्रो लगा लिया है। अभी मैं आई शेडो पैलेट से डार्क ब्राउन शेड लूंगी और उसे सिर्फ अपने क्रीज लाइन में लगाऊंगी। फ्रेंड्स, राखी का मेकअप है तो बहुत ही नेचुरल रखना है मुझे, इसके लिए मैंने सिर्फ डार्क ब्राउन शेड से क्रीज लाइन में अप्लाई किया, पूरे आईज में अप्लाई नहीं किया ये मैंने। ये देखिए, अभी मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया है, ये बहुत ही न्यूट कलर रहता है लगाने पे,
सिर्फ एक शाइन सा रहेगा अपने आंखों में, पता ही नहीं चलेगा कि कोई आई शेडो भी अप्लाई किया है। तो मैंने लगा लिया है। अभी मैंने रेड कलर का लिप लाइनर लिया है और लिप्स पे नहीं लगा के मैंने अपने आंखों पे लाइनर लगाया उसे। ये लाइनर ना थोड़ा मोटा लगाना है क्योंकि मैंने जो ड्रेस वेयर करने वाली हूँ ना उसमें रेड चुननी है। तो अगर आप जो भी कलर का ड्रेस यूज़ कर रहे हो तो वो कलर का आप लगा सकते हो। ये बहुत अच्छा लुक देता है। ये मैंने रेड कलर से मोटा लाइनर लगा लिया। अभी मैंने ब्लैक जेल लाइनर लिया है एक ब्रश से, जो मैंने रेड लाइनर लगाया उसके हाफ में मैं ये ब्लैक लाइनर अप्लाई करूँगी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हाफ रेड एंड हाफ ब्लैक। आपको भी अगर डबल कलर में ऐसे लगाना है ना तो आई शेडो आप भी न्यूड रखिए, तभी इसका लुक आएगा। देखिए लास्ट में मैंने दोनों को मर्ज कर दिया रेड एंड ब्लैक को। अभी मैं फेसेस कनाडा का काजल लगाऊंगी, ब्लैक काजल। काजल भी मैं बहुत लाइट ही लगाऊंगी ताकि बहुत अच्छा नेचुरल लुक मिले। ये है मस्कारा मैक का। मैं यहाँ पे कोई फॉल्स लेसेस भी नहीं लगा रही हूँ, फेस्टिवल में काम भी होते हैं घर के, तो सिंपल एंड इजी मेकअप करने और कंफर्ट रहना है। ये मेकअप रख के फ्रेंड्स आप पूरा दिन रख सकते हो, इसलिए यहाँ पे कोई फॉल्स लेसेस नहीं, कोई हैवी मेकअप नहीं है। अभी मैं एक कोट और मस्कारा का लगाऊंगी जिससे हमारे लेसेस के वॉल्यूम अच्छे दिखे। ये हो गया मेरा आई मेकअप कंप्लीट। अब मैं लगाऊंगी ब्लशर। ये बहुत अच्छा ब्लश है। फ्रेंड्स ये ब्लशर का पिगमेंट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको चाहिए तो मैंने जिस शॉप से लिया है वहाँ का नंबर डाल दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हो। मैंने चैम्बर के ब्लशर पैलेट से डार्क ब्राउन शेड लेके हल्का सा फेस को शेप दूंगी। यहाँ पे मैंने कोई क्रीम कंटूरिंग नहीं किया, जस्ट हल्का सा ब्राउन शेड लेके शेप दिया। ये लिया है मैंने शिवाना का हाइलाइटर। बिना हाइलाइटर के मेकअप कंप्लीट नहीं होता है, हाइलाइटर तो बनता है। ये मैंने पतले ब्रश से आई शेडो को छोटा स्मॉल ब्रश लेकर मैंने आई कॉर्नर में लगा लिया है एंड ब्रो बोन में लगा लिया है। अभी ये स्मॉल फैन ब्रश लिया है, इससे अपने नोज में एंड चिन में अप्लाई करूँगी। अभी मैंने बड़ा वाला फैन ब्रश लिया। आज मेरा मन कर रहा था मैं अलग अलग ब्रश यूज़ करूँ, है ना क्यूट सा फैन ब्रश। इसको मैं अपने चिक्स पे अप्लाई करूँगी हाइलाइटर के लिए। अभी मैंने ले लिया है रेड लिपस्टिक मैट लिक्विड।
अभी लास्ट फिनिशिंग मेरा मेकअप स्प्रे। मेरा मेकअप सेट हो गया। इसको थोड़ी सी हवा देती थी, फैन ब्रश भी करते हैं पर कुछ हवा नहीं आ रही है फैन ब्रश से। चलो ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर लेते थोड़ा। अब मैं पहनने वाली है ड्रेस विथ रेड दुपट्टा, बैंगल, वॉच एंड प्यारा सा क्यूट सा झुमका। ये मैंने पहन लिया है, ये देखिए झुमके, बैंगल एंड वॉच। और ये मैंने रेड दुपट्टा लिया है गोल्डन प्लेन कुर्ते के साथ। अब एक रेड बिंदी भी लगाऊंगी। राखी का त्यौहार है, ट्रेडिशनल तो दिखना ही चाहिए ना, बिंदी के बिना तो ट्रेडिशनल दिखता ही नहीं है। ये है मेरा फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको? अगर पसंद आ रहा है आपको मेरा ये मेकअप, अच्छा लगता है थोड़ा भी, तो एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब तो कर दीजिए प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि सब राखी पे ऐसे सिंपल एंड स्वीट मेकअप कर सकें। तो ये आँख देखिए मेरी, जो मैंने डबल शेड लाइनर लगा तो बहुत प्यारा लग रहा है। तो तब तक के लिए बाय बाय।